और मैं ट्रांसपोर्टर भी हूँ। मैं ऑल ट्रैवल यूनियन का यहाँ डिस्ट्रिक्ट फोन का चेयरमैन हूँ। मैं आप सबसे पहले आप मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप वक्तन वक्तन जब भी कोई दीवार हो या कोई और देश को या हमारे शहर को कोई मुश्किल हो तो आप वक्तन वक्तन पूरी पूरी मेहनत से जो है इस हाई जो भी मसाइल है वो हाई कमांड तक पहुँचाते हैं। मैं सबसे पहले आप तमाम मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ और आज इस मुबारक मौके पर जो आज हमारा जो त्यौहार ईद ईदुल अज़हा जो कल मनाई जा रही है और पूरी दुनिया में मनाई जा रही है, मैं अपने देशवासियों को बिलखसूस हमारा जो भारत देश है मैं पूरे देशवासियों को मुबारकबाद देता हूँ और पूरी दुनिया को मुबारकबाद देता हूँ कि इस पवित्र मौके पर हमारे मुल्क में अमन भाईचारा जो सलामती है जो कायम वो कायम और दायम रहे और मुल्क तरक्की की ओर गामजन हो। मैं यही चाहता हूँ कि जो तमाम देशवासियों को ये मुबारकबाद देता हूँ और ईद के मौके पे और ये मैं चाहता हूँ कि अल्लाह करे हमारा मुल्क जो तरक्की की तरफ हो गामजन हो। जो आपसी भाईचारा है वो हमेशा से जो गंगा जमुना तहजीब जो है जो हमारे पुल से शुरू होती है तो मैं ये चाहता हूँ कि ये कायम रहे और पूरी दुनिया तक हमारा जो मैसेज है वो जाए। और मैं तमाम देशवासियों के और बिलखसूस हमारे जो पूंछ के हिंदू मुस्लिम भाई जो सिख जो हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद जो भाईचारा है बढ़ चढ़ के जो हमारी यात्रा शुरू हो रही है 1 जुलाई से जो हमारी चंद दिन 15 जुलाई से जो हमारी यात्रा शुरू हो रही है, मैं तमाम जो भी हमारे यहाँ के स्टेट होल्डर हैं मैं सबसे अपील करता हूँ जितने भी सोशल एक्टिविटी हैं जितने भी जो आप समाजी कारकुन हैं मैं इनसे अपील करता हूँ कि बढ़ चढ़ के जो हमारी यात्रा का अच्छा इस्तकबाल करें। यहाँ जो हमारी एक गंगा जमुना तहजीब जो है ये पूरी दुनिया में मिसाल कायम है तो वो जो है बढ़ चढ़ कर लोग जो है हिस्सा लें इस यात्रा को कामयाब करें और मैं अपने आपके माध्यम से पूरी दुनिया को ईद उल अज़हा के मौके पर मुबारकबाद देता हूँ और जय हिंद जय भारत।